हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GAN24। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल डिविजिबिलिटी रूल्स इन वन वीडियो। तो दोस्तों, जितने भी डिविजिबिलिटी रूल्स है जो सभी आपको याद रखने हैं आपके एग्जाम्स के लिए, वो सभी हम लोग आज क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो आपको आगे आने वाले समय में कभी भी डिविजिबिलिटी में डिफिकल्ट नहीं होगी, आपका कैलकुलेशन आपको बहुत क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा और आपका कैलकुलेशन में बहुत इंप्रूव हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे चैनल का नाम है GAN24। तो सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आपके पास मेरा हर एक वीडियो आपके पास पहुंचे और आप उसको क्या करें, देखें और आपको उसको नॉलेज मिले। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर आपको जैसे कि अगर आपको कोई भी पूछे टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, टू डिविजिबिलिटी रूल, हम सबको पता है कि कोई भी अगर नंबर के यूनिट डिजिट में टू आता है, यानी कि इवन नंबर आता है, तो टू से डिविजिबल होता है, राइट। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, एनी नंबर हुज यूनिट डिजिट इज इवन इज डिविजिबल बाय टू। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, इज डिविजिबल बाय टू। तो अगर आपको कोई भी नंबर पता करना है टू से डिविजिबल है या नहीं है, कितना भी बड़ी संख्या रहने दो, अगर उसका यूनिट डिजिट टू से डिविजिबल है तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो संख्या क्या है, टू से डिविजिबल है। टू के बाद में अगर टू का स्क्वायर करूँ, दैट इज फोर, मुझे अगर पता करना है कि कोई भी नंबर फोर से डिविजिबल है या नहीं है, तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर किया, तो अगर लास्ट की दो संख्या, स्क्वायर मतलब दो, अगर लास्ट के दो डिजिट फोर से डिविजिबल है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, फोर से डिविजिबल हो जाएगी। एनी नंबर हुज लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय टू, एनी नंबर हुज लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय टू इज डिविजिबल बाय फोर, यानी कि कोई भी संख्या अगर उसके लास्ट के दो डिजिट फोर से डिविजिबल है तो हम लोग क्या कहेंगे, वो संख्या भी क्या है, फोर से डिविजिबल है। तो एनी नंबर हुज लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय फोर इज डिविजिबल, सो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय फोर, तो हम लोग क्या कहेंगे, वो संख्या क्या है, डिविजिबल बाय फोर है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक बड़ा एग्जाम्पल ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 2 4, तो मैंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू अवर रूल आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट के दो डिजिट देखना है। जैसे कि यहाँ पर 24 है, तो क्या 24 फोर से डिविजिबल है, यस। तो मैं क्या कहूँगा, यस, ये जो इतनी बड़ी संख्या दे के रखी है मुझे, तो मैं कहूंगा कि यस, जो नंबर दिया हुआ है वो क्या है, फोर से डिविजिबल है। और सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं टू के लिए एग्जांपल दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या ये टू से डिविजिबल है, यस, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, इवन नंबर है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर टू का क्यूब करूँ, तो टू का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अभी 8 का डिविजिबिलिटी आपको टेस्ट बताता हूँ। देखिए, 2 का क्यूब यानी कि क्या हो जाएगा, 3, तो लास्ट के 3 डिजिट क्या होनी चाहिए, 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, एनी नंबर हुज लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, एनी नंबर हुज लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, then that number is divisible by 8. तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए, कितनी भी बड़ी संख्या रहने दो, और अगर आपको पूछा है क्या वो संख्या 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपको पूरा नंबर चेक करने की जरूरत नहीं, आपको लास्ट के 3 डिजिट ही क्या करने हैं, चेक करने। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, 3 9 6 3 9 7 6 5 1 2, और एग्जाम में पूछा मुझे क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है, तो
तो मैं सिर्फ करूंगा, चेक करूंगा कि क्या 5128 से डिविजिबल है, और ये अगर ये 5128 से डिविजिबल है तो मैं क्या कहूंगा, यस दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। तो आई होप गाइज आपको ये तीनों चीजें क्या हुई, बहुत क्लियर हुई होंगी, 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट एंड 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, 2 में क्या होता है, लास्ट का इवन, अगर लास्ट का डिजिट, यूनिट डिजिट अगर इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा नंबर, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, स्क्वायर मतलब 2, तो लास्ट के दो डिजिट क्या होनी चाहिए, 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो संख्या 4 से डिविजिबल है। 2 का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब होता है 8, क्यूब मतलब होता है 3, तो लास्ट के अगर 3 डिजिट कोई भी संख्या के 8 से डिविजिबल है तो हम लोग क्या कहेंगे, वो संख्या 8 से डिविजिबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अगर 5 की बात करूँ, नंबर 5, तो 5 का तो बहुत ही सिंपल है, 5 का क्या, यूनिट डिजिट शुड बी 0 और 5, यूनिट डिजिट शुड बी 0 और 5, ये बहुत ही सिंपल रूल है। अगर कोई भी संख्या के यूनिट में, यूनिट डिजिट सबसे जो लास्ट यूनिट है, लास्ट नंबर है, अगर वहां पर 0 या फिर 5 दोनों में से कोई भी नंबर है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 5 से डिविजिबल हो जाएगी, बहुत ही सिंपल रूल था। अगर सिमिलरली यहाँ पर मैं अगर 5 का स्क्वायर करूँ यानी कि 25, तो 25 क्या हो जाएगा, देखो लास्ट के दो डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5, लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 25, नॉट 5, डिविजिबल बाय 25। कोई भी संख्या जिसके लास्ट के दो डिजिट अगर 25 से डिविजिबल है तो हम लोग क्या कहेंगे, वो संख्या भी 25 से डिविजिबल है। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया 625, तो लास्ट के दो डिजिट क्या है, 25, तो क्या 25 से डिविजिबल है, यस yes। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि 625 भी क्या है, 525 से डिविजिबल है। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर 5 का क्यूब कर दिया, 5 का क्यूब होता है 125, तो लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 125, लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 125, शुड बी डिविजिबल बाय 125। यहाँ पर एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर मैं बताना भूल गया, फर्स्ट पेज पे आप चाहो तो यहाँ पर कंटिन्यू भी कर सकते हो साइकिल, 2 raised to 4 होता है 16, अगर 2 raised to 4 है तो यानी कि लास्ट के 4 डिजिट क्या होनी चाहिए, 16 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर यहाँ पर मैंने 2 raised to 5 किया, 2 raised to 5 होता है 32, 2 raised to 5 यानी कि लास्ट के 5 डिजिट क्या होनी चाहिए, 32 से डिविजिबल होनी चाहिए, और ये साइकिल क्या होगा, चलते रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने 5 का किया। नेक्स्ट आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3। बहुत सारे बच्चे लोगों को ये चीज पता नहीं होती, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ एक ही वीडियो में। देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ थ्री, 3 क्या होता है, ए सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए गिवन नंबर, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए गिवन नंबर शुड बी डिविजिबल बाय थ्री। देखिए आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बेटर समझेगा, मैंने क्या कहा, अ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए गिवन नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। अभी वो कितना भी बड़ा नंबर रहने दो, अगर आपको ये रूल पता है तो आप दोस्तों क्या कर सकते हो, इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, इजीली चेक कर सकते हो अगर दिया हुआ नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर नंबर ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके अभी ये मुझे चेक करना है 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो मैं इसको डिवाइड नहीं करूंगा, मैं सीधा क्या करूंगा, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाऊंगा। देखिए क्या बोलते हैं, सम ऑफ डिजिट्स, तो जितने भी ये डिजिट्स है उसका क्या करना है, आपको ऐड करना है, सम करना है। तो 1 + 2 होता है 3, 3 + 3 = 6, +4 = 10, +5 = 15, +6 = 21, 21 प्लस 7 होता है 28, 28 प्लस 8 होता है 36। आपको बस यही चेक करना है क्या ये जो मेरा सम आया है सम्स का, डिजिट्स का 36,
इज दैट डिविजिबल बाय 3? तो 36 3 से डिविजिबल है क्या? यस ऑफ कोर्स। तो क्या मैं क्या कहूंगा, जो दिया हुआ नंबर है वो भी क्या है, 3 से डिविजिबल है। ओके वैसे अगर मैं यहाँ पर डिविजिबिलिटी ऑफ 6 चेक करना चाहूँ, डिविजिबिलिटी ऑफ 6 कुछ नहीं है यहाँ पर, डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या होता है, देखिए 6 के लिए आपको कुछ याद करना नहीं है, 6 के मुझे पता है दो फैक्टर्स होते हैं 3 और 2। तो अगर कोई भी दिया हुआ नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, तो मैं कहूँगा कि वो जो दिया हुआ नंबर है वो क्या है, 6 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल लेके मैं आपको दिखाता हूँ, देखो देखिए 1024, मुझे चेक करना है ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है। देखिए ये जो नंबर है वो तो 2 से डिविजिबल है, लेकिन क्या ये 3 से डिविजिबल है? देखिए 4 + 2 = 6, 6 + 1 = 7, क्या 7 3 से डिविजिबल होता है? ये नहीं है। अभी आप क्रॉस चेक कर सकते हो, क्या ये टोटल नंबर जो 1024 है वो 6 से डिविजिबल है क्या? देखिए 6 × 1 = 6, लेफ्ट विथ 4, ऊपर से आया 2, 6 × 7 = 42, लेफ्ट विथ 4, नहीं, देखिए तो रिमाइंडर आपका 4 बच रहा है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यही चीज को आप ऐसे फॉलो कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो आता है आपका, दैट इज डिविजिबिलिटी ऑफ 9, डिविजिबिलिटी ऑफ 9, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 क्या है, एग्जैक्टली सेम है एज ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3। तो देखिए क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9, शुड बी डिविजिबल बाय 9। ये क्या है, 9 का टेस्ट है। अगर मैं यहां पर आपका आपको एग्जांपल दूं, 3, 4, 6, 9, 8, 3, इसका आपको क्या करना है, सारे डिजिट्स का सम करना है और चेक करना है कि वेदर दिस सम इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट। तो देखिए 3 + 4 = 7, 7 + 6 = 13, 13 + 9 = 22, 22 + 8 = 30, 30 + 3 = 33। तो क्या ये 33 9 से डिविजिबल है? नहीं। तो मैं कहूंगा कि ये जो दिया हुआ नंबर है दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 9। बहुत ही आसानी तरीके से हम लोगों ने सारे के सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या करे दोस्तों यहाँ पर क्लियर किए हुए। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट बच रहा है दैट इज डिविजिबिलिटी ऑफ 11। देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 11 क्या होता है और जिसका एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपको, दैट इज डिविजिबिलिटी ऑफ 11। ओके देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 11 क्या बोलता है, द सम ऑफ ऑल्टरनेट टर्म्स, देखिए कोई भी नंबर में इन एनी गिवन नंबर कोई भी संख्या में डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑल्टरनेटिव डिजिट्स शुड बी इक्वल टू 11 और 0। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रूल, क्या कह रहा है, इन एनी गिवन नंबर डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑल्टरनेटिव डिजिट शुड बी इक्वल टू 11 और 0। अगर मैं यही चीज आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से इसको समझ में आएगी। देखिए अगर मैंने फॉर एग्जांपल कोई भी यहाँ पर एग्जांपल ले लिया, जैसे कि मान लो 4, 6, 9, 8, 3, 7, 6, ओके तो हम लोग का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट बोलता है 11 का, दैट इज सम ऑफ ऑल्टरनेटिव यानी कि देखिए यहाँ से आपको पीछे से स्टार्ट करना है, 6 और 3 = 9, 9 + 9 = 18, 18 + 4 = 22 ओके तो इनका सम क्या है, 22 है। अभी जो बाकी के बचे हुए टर्म्स है उनका सम या तो 22 होना चाहिए या फिर उनके बीच का जो डिफरेंस है क्या कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। देखिए 8 + 7 = 15, 15 + 6 = 21, तो देखिए इसका सम कितना है, 21 है। देखिए इनके दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 11 भी नहीं है और 0 भी नहीं है, तो मैं स्ट्रेट अवे कहूंगा कि ये जो संख्या है वो क्या है, 11 से डिविजिबल नहीं है। तो आपको इस रूल को याद कर लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डिविजिबिलिटी ऑफ 11। ओके दोस्तों तो यहाँ पर ये सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं क्लियर हो जाते हैं।
और आपको बस इस वीडियो को पूरा देखना है, अगर समझ में नहीं आए कोई भी चीज़ तो इसको रिपीट करके देखना है और इसको अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेना है, ताकि इसका आपको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा इसको क्या मिले, हेल्प मिले। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको मैंने जितना भी पढ़ा है आपको सब कुछ समझ में आया होगा, अच्छे से आपको इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपको इस एक ही वीडियो समझ में नहीं आएगा एक ही बारे में, ठीक है। तो नहीं आ रहा है तो उसको वीडियो को वापस देखिए दो बार, ठीक है। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग।